नमो आयुर्याण नमो वज्रायण नमो लोये सबसाहून। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु। बीतरा विज्ञान पाठमाला भाग दो है और उसमें से सप्तव्यसन का पाठ है, 25 नंबर का पेज। बनारसी दास जी साहब ने समय सार नाटक में इसकी चर्चा की है और ये पद्मनंदी पंचविंशति का है। इसमें पहले अध्याय में ही सम्यक दर्शन आदि की चर्चा करते हुए फिर प्रतिमाओं की चर्चा की गई। प्रतिमाओं की जब चर्चा की तो पहली प्रतिमा में उसके पहली सप्तव्यसन का बहुत अच्छी विस्तार से चर्चा हुई है। अभी अपन इस पाठ के आधार से, बड़ा पाठ है, पीरियड 4 है अपने पास, आज और कल के 4 पीरियड में अपन सप्तव्यसन पढ़ेंगे और सभी लोग इतने फोकस करके पढ़ना क्योंकि ज़िंदगी भर आप इसका एनलार्ज कैसे करेंगे। मैं विद्वत लेवल से पढ़ाना चाह रहा हूँ, पब्लिक लेवल से नहीं। आप विद्वान बनने जा रहे हैं तो आप इसको एनलार्ज कैसे करेंगे अपन देखते हैं कोशिश करके। याद होगा छंद, जो बड़ी कक्षाओं में होने तो याद ही होगा और जो पढ़ रहे होंगे बीतरा विज्ञान भाग दो उनको भी याद होगा। अपन एक साथ गाएंगे। अशुभ में हार शुभ में जीत यही दूत कर्म देह की मगनताई यही मास भखिबो मोह की गहल सो अजान कह सुरापान कुमति की रीति गणिका को रस चखवो निर्द्वय हुए प्राण घात करवो यह शिकार पर नारी संग पर बुद्धि को परखवो प्यार सो पर आई सौंझ गए भी की चाहे चोरी यही सातों व्यसन बिडारी ब्रह्म लखिबो ब्रह्म बिडार व्यसन बिडार ब्रह्म लखबो। ब्रह्म माने आत्मा, लखबो माने अनुभव करना। आत्मा का अनुभव करना हो तो ये सप्त व्यसन कभी मत करो। कौन से मत करो? तो जो आप जानते हो, जुआ आमिष मदिरा दारी, वो तो करना ही नहीं। आप करोगे भी नहीं। आप पूछ भी सकते हो हमें सप्तव्यसन क्यों पढ़ा रहे हो आप? तो बनारसी दास जी कह रहे हैं कि वो जो सप्तव्यसन है वो तो मिलेच्छों को समझाने के लिए है, अजैनों को समझाने के लिए है। जैनी तो जैन कुल में जन्मा है, वो सप्तव्यसन नहीं करता। लेकिन फिर सप्तव्यसन का पाठ तो आया है तो एक बहुत अच्छे शब्द में प्रयोग करूँ आपको। एडिक्शन नाम सुना? एडिक्शन, एडिक्शन जानते हो?
बहुत बुरी चीज़ होती है एडिक्शन, जैसे चाय का एडिक्शन हो जाए, तंबाकू का एडिक्शन हो जाए, टेलीविज़न देखने का एडिक्शन हो जाए, मोबाइल देखने का एडिक्शन हो जाए, मोबाइल के बिना चैन नहीं पड़े। बहुत सारी घटनाएं हुई, माँ ने मोबाइल का इंटरनेट कनेक्शन कटवा दिया, वो मम्मी को चक्कू मारने दौड़ पड़ा। अभी चार दिन पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था बेटे मोबाइल मत चलाया करा। जी एडिक्शन है, एडिक्शन माने जो आपको मौत की ओर ले जाए, एडिक्शन माने जो आपको मौत की ओर ले जाए। एडिक्शन का एक और अच्छा बढ़िया भाववाचक शब्द बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, सुनो पहले बढ़िया भाव बताता हूँ, जो आपको निर्णय करने की क्षमता को प्रभावित कर दे, जो सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर दे, इसका नाम है एडिक्शन। आपने देखा होगा एडिक्शन, तो आप समझते हैं आजकल वो पाउडर लेते हैं, जिम जाने वाले बच्चे होते हैं, जिम जाते से दो महीने में उसकी मसल से निकल आती है, पैक बन जाते हैं पैक। ये फिल्मी हीरो भी जितने पैक बनाते हैं वो असली नहीं होते, इनके नकली होते हैं, वो दवाई खा खा के एक पाउडर आता है। लेकिन भोपाल में एक लड़के ने, 19 साल के लड़के ने आत्महत्या कर ली, इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी ने। क्यों? वो दुबला पतला था, गाँव से आया था, इंटेलिजेंट तो बहुत था, पढ़ना लिखने आया था, भोपाल इंजीनियरिंग कॉलेज में गया वो, तो सब लड़के हेल्दी, तो उसको बड़ा शर्म आती थी मेरी हेल्थ नहीं है, तो उसने भी जिम ज्वाइन कर ली दोस्तों की सलाह से। अब वहाँ जा कर के भी उसकी मसल से नहीं बनी, सिक्स पैक नहीं बनी, तो फिर सारे दोस्तों ने कहा यहाँ पाउडर खाया करो पाउडर, तो वो उसने पाउडर खाना शुरू कर दिया। अब खाना चाहिए था इतना सा खा लिया, इतना जल्दी पैक बनाने के चक्कर में, तो पैक तो जल्दी बन गए लेकिन उसकी दोनों किडनी खराब हो गई। जिम जाने वालों से पूछ लेना और कभी ऐसी गलती नहीं करना। सलमान खान नाम तो सुना ही हुआ, सलमान खान मुझे बहुत बुरा लगता है फिल्मी हीरो का नाम लूँ, लेकिन आपको देख करके ले रहा हूँ कि लोगों को सलमान खान की बॉडी दिखती है, फला की बॉडी दिखती है, लेकिन उसकी शादी क्यों नहीं हुई? 50 साल का हीरो है बेचारा, तो हुई क्यों नहीं? जो उसने भी जिम में जाके वो खाई थी वो दवाइयाँ, तो इतना गुस्सा आता था उसको, इतना गुस्सा। इसमें टेम्परामेंट, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, एडिक्शन मतलब डिसीजन मेकिंग पावर इफेक्टेड हो जाती है, मैंने आपको सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती, निर्णय करने की शक्ति नहीं बचती। अब सलमान खान का नाम आ गया तो थोड़ा खुलासा इसलिए कर रहा हूँ कि आप बच के रहना ऐसी चीज़ों से। इसका पहले चक्कर चलता था ऐश्वर्या राय से, आप में से कई को पता भी नहीं होगा, क्योंकि आप जब समझदार हुए होगे जब तक उसकी शादी हो चुकी थी, तो बहुत चक्कर चला इसका, 25-30 साल का था जब ये, तब अब तो 50 साल से ऊपर हो गया, मैंने तुम्हारा तो जन्म भी नहीं हुआ था। इसके मैंने इसकी शादी क्यों नहीं उसका राज बता रहा हूँ। तो पैक बनाने के चक्कर में वो पाउडर खाता था, पाउडर खाते खाते उसने शरीर बना लिया, इस चक्कर में इसका ब्रेन कंट्रोल ख़त्म हो गया। संजय दत्त की भी यदि आप पढ़ोगे सुनोगे, अब तो उसकी देख ही भी सकते हो आप, तो उसने भी वो पाउडर का इस्तेमाल किया था जिससे एडिक्शन हो गया था। इसके मम्मी पापा इसके टेंशन में घुल के मर गए बेचारे, और इसको अमेरिका ले जाके इसका एडिक्शन दूर किया। यहाँ इतना कीमती पाठ, विश्व में किसी संप्रदाय में एडिक्शन के खिलाफ पाठ नहीं मिलेगा, लेकिन जैन दर्शन ऐसा है जिसमें आपको एडिक्शन के खिलाफ पाठ मिलेगा। हमारे आचार्यों को, हमारे विद्वानों को कितनी चिंता थी कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी, और जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट करना है, जिनको विद्वान बनना हो, त्यागी बनना हो, मुनिराज बनना हो, भगवान बनना हो, उनको एडिक्शन नहीं होना चाहिए। मेरी दादी थी, दादी एक्सपायर हो गई अब, तो मेरी दादी थी, तो 10 लक्षण पर्व में भी उनको चाय का एडिक्शन था। मेरे ग्रैंडफादर थे, उनको बीड़ी पीने का एडिक्शन था। अब 10 लक्षण में बार बार नहीं पी सकते, और दादी भी एकाशना करना है तो एक ही बार खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो वो क्या करते थे, मेरे ग्रैंडफादर जब भोजन करने का टाइम होता था, एक आशना करने का टाइम, थाली पे बैठ जाते थे, पहले एक बीड़ी पीते थे, फिर कुल्ला करते, फिर भोजन करते थे, फिर भोजन करके बैठे रहते थे एक आध घंटा वहीं, फिर एक दो और पी लेते थे, क्योंकि एडिक्शन इतना परेशान। तो मेरी दादी हमेशा हम लोगों को एक बात कहती थी कि ये चाय का एडिक्शन लग गया ना, ये मुझे बहुत दुख देता है, मैं एक भी व्रत नहीं कर पाई ज़िंदगी में, एक भी एकाशना नहीं कर पाई, एक भी उपवास नहीं कर पाई इस चाय के चक्कर में।
तो हमको शिक्षा देती थी, बेटे तुम लोग चक्कर में नहीं पड़ना। आप समझ गए होंगे, एक एडिक्शन आपको मुनि बनने से रोक देगा, एक एडिक्शन आपको सम्यक दर्शन से रोक देगा, एक एडिक्शन आपको धर्मात्माओं के निकट आने से रोक देगा। आप में से कोई लड़का गलत हो वो मेरे पास आ नहीं पाएगा, गलत बातें सोचता हो, गलत काम करता हो, गलत खाता पीता हो, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। भगवान से आंख नहीं मिलाते बनेगी आपको, एक दिन पहले आपने गलत काम किया हो, दूसरे भगवान का चरण स्पर्श प्रक्षालन करने में आपको गिलानी होगी। तो एडिक्शन समझ गए, एडिक्शन तो मैं उसकी थोड़ी सी कहानी छोड़ती तो उसे पूरी कर देता। तो उनका चक्कर चलता था, तो वो फिल्मों में कोई शूटिंग करने जाते हैं, शूटिंग तो शूटिंग स्पॉट पर काम कर रही थी, इसको जाने क्या बात पर गुस्सा हुई, तू अभी तक नहीं आई, डेटिंग भूल गई तू, और वहीं आकर दो खींचे उसने धड़ाक, इतने जम के खींचे कांग्रेस के निशान बन गए उसको बेचारी को, ऐसे तीन बार पीटा उसने। उसने सोचा कि जब शादी के पहले जी हालत है, घरेलू हिंसा छोड़ अभी तो गार्डन हिंसा हो रही है तो बाद में क्या होगा। तो फिर वो ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद तो जो दुख होता है सैड सॉन्ग गाने का वो होता ही है बहुत परेशान रहा बेचारा। कुल मिलाकर के उसकी स्टोरी आप जब जानोगे तो मुझे आपको कल इतना कहना है कि एडिक्शन, हाँ क्या अर्थ होता है एडिक्शन का, भाव क्या हुआ कि सोचने समझने की निर्णय करने की क्षमता को प्रभावित करता है। आप तत्व निर्णय नहीं कर पाएंगे, आप भेद विज्ञान नहीं कर पाएंगे, जिंदगी में किसी चीज़ का एडिक्ट नहीं होना। समझ गए हो तो मैंने कह दिया, मोबाइल से लेकर चाय तक आप एडिक्ट नहीं होना। चाय की तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता अभी, ओरिजिनल चाय नहीं आती मार्केट में, जो डस्ट टी आती है ना, डस्ट टी लगभग घरों में डस्ट टी इस्तेमाल होती है, और भी जितने जो होते हैं क्या कहलाते हैं तुम्हारे मार्केट में, वो डस्ट टी इस्तेमाल करती है। नाम देखा होगा आपने डस्ट टी, ब्रुक बॉन्ड डस्ट टी। हम तो नहीं समझते थे डस्ट क्या होता है, लेकिन डस्ट का मीनिंग हमने देखा, डस्ट का मीनिंग आप भी सर्च करके देख सकते हैं, आजकल तो आप परफेक्ट हो उसमें। डस्ट का मतलब है कि चाय की पत्ती ही नहीं होती इसमें, जो चाय की पत्ती के डंठल होते हैं ना जिन पे पत्तियां लगती हैं, तो पत्तियां तो चली जाती हैं बहुत महंगी, पता नहीं उनका रेट मुझे नहीं मालूम, बहुत कीमती होती है वो, और वो जो डंठल होते हैं ना डंठल, उन डंठलों को पीस करके क्रश करके उसमें पोस्ते का दाना मिला देते हैं, और भी और 10-25-84 प्रकार के आइटम मिला देते हैं, 84 तरह के, सब अपनी अपनी क्वालिटी डेवलप करने के नाम पर। तो वो चीज़ें डाल दी जाती है तो उससे एडिक्शन हो जाता है। चाय की पत्ती जो ओरिजिनल है उससे एडिक्शन नहीं होगा एक बार, ये इससे एडिक्शन ज़रूर होगा। मैं ऐसे कितने नगरों में, अभी अखबार में आया था, कितने नगरों में चाय पीने के लिए वहीं जाते थे बच्चे स्पेशल। अभी किसी ने सुनाई थी मुझे घटना, दो बच्चे चाय पीने के लिए वहाँ गए थे ललितपुर में, ललितपुर की घटना है, थोड़े बाहर तक गए चाय पीने के लिए, और वहाँ पर बहुत जंगल में है उस एक प्रकार की वो चाय की दुकान, और लोग वहीं जाते, तो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए दो बच्चे, जैन समाज के बच्चे वहीं चाय पीने जाते थे। कहने का मतलब ये कि वो क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ वो पोस्ते का दाना इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, पोस्ता का छिलका वगैरह जो नशीला होता है। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बस इतनी बात तो आप समझ गए होंगे एडिक्शन एक बुरी चीज़ है। तो कौन कौन से 7 एडिक्शन हैं जो कभी नहीं होने चाहिए। मैं सप्त व्यसन के स्थूल पाठ को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, व्यवहार का पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ, यदि उसे पढ़ाऊँगा तो अलग से समय चाहिए पड़ेगा, लेकिन परमार्थ से 7 एडिक्शन कैसे छोड़ें इसकी चर्चा करेंगे। स्टार्ट करूँ? वेरी गुड। पहला ही एडिक्शन है द्यूत, जुआ। एक जुआ तो आप कह सकते हो हम नहीं खेलते ताश से, आप ऐसा भी कह सकते हो हम पैसा से नहीं खेलते। मैं नहीं समझता इनमें से बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे पैसे से कोई गेम खेलते हो, यहाँ तो एक भी नहीं खेलता होगा, पैसे से नहीं खेलते। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कंचे खेलते हैं, उसमें भी जीत हार होती है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ो, पैकेट ले आते हैं बच्चे कैवेंडर के, सिगरेट के, माचिस के, बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं, उससे भी उसे आप मनी की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी जुआ है। ये सब व्यवहार बता रहा हूँ, अभी निश्चय नहीं बता रहा, निश्चय तो अभी बताने वाला हूँ, ये भी एक जुआ है। बहुत अच्छी भाषा में बोलूँगा, आपने पढ़ा होगा सुना होगा सभी ने,
खेल भावना के साथ खेलना चाहिए। सुना है? स्पोर्टमैनशिप होनी चाहिए। सुना होगा सबने? भारत वाले बहुत बुरी तरीके से हारे, लेकिन विराट कोहली ने आगे जाकर हाथ मिलाया और गले लगाया। अभी किसी देश को हरा के आए थे ना, आयरलैंड को, आयरलैंड को हरा के आए थे। तो अब आयरलैंड के बेचारे हरा गए तो अपने कमरे में चले गए चुपचाप, आंसू आने लगे, हार गए बुरी तरह से। तो जैसे ही विराट कोहली को इनाम पाने के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, हमारे आयरलैंड के साथियों को बुलाई, सारी टीम को बुलाया, सबके साथ गले में हाथ डालकर फोटो खिंचवाए, गले मिले, हाथ लगाए और उनके गाल थपथपा के कहा ये दिन सबके पास आता है लेकिन एक दिन तुम हमारी तरह महान बनोगे। वो आयरलैंड के सारे खिलाड़ी खुश हो गए, सारे देश ने सैल्यूट किया। वे चाहे थे तो थोड़ा सा ऐसा भी कर देते, ए ए हरा दिया हरा दिया। वे चाहे थे तो ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, सारे देश ने सैल्यूट किया, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी बड़ी तारीफ हुई। आपने देखा होगा गेंदों से छेड़छाड़ का कार्यक्रम विदेशों में होता है, लेकिन भारतीय लोगों में स्पोर्ट्समैनशिप बहुत है। मुझे तो दूसरी बात कहना है, जीत का आनंद भी वे ही ले सकते हैं जो हार को पचाना जानते हैं, और हार के दर्द को सहना भी वही जानते हैं जिन्हें जीतने का जज्बा होता है। आप हार को तभी पचा सकते हैं। कुछ समझ गए? नहीं समझे कुछ, फिर से सुन लो। वहां हार माने फेल हो जाना, फेल होने पर भी आप तभी प्रफुल्लित हो सकते हो जिसे पास होने का जज्बा है, जिसको लगता है अरे कुछ बात नहीं फेल हो गए तो क्या हुआ। हर सफलता की मंजिल असफलता के ऊपर पैर रखकर होती है, असफलता की नींव पर सफलता का महल बनता है। कभी नहीं घबराना जीवन में कि हम फेल हो गए कोई बात नहीं, असफल हो गए कोई दिक्कत नहीं है, इस बार भाषण देने आए अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, इस बार प्रवचन करने आए बहुत अच्छा नहीं कर पाए कोई बात नहीं है। हार को पचाना सीखो, असफलता में मुस्कुराना सीखो। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बेटी, याद है आपको एडिक्शन से कैसे बचना? जिन्हें जीतने का नशा होता है वे हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या बोला? जिसे जीतने का नशा होता है वे हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हार को भी असफलता को भी प्रसन्नता से बर्दाश्त करना सीखो। सबसे बड़ा पुरुषार्थी वह है, सबसे बड़ा पुरुषार्थी वह है जो प्रतिकूल प्रसंगों में मुस्कुराता है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने हमारे मुनिराज मोक्ष जाते हैं प्रतिकूलता में मुस्कुराते हैं। 3 दिन तक गले में सर्प पड़ा रहा, कैसे थे? क्यों कैसे थे? 3 दिन क्यों? तुम्हारे गले में कोई सर्प डाल जाए तो क्या करोगे? चलो छुट्टी। ऐसा नहीं किया ना, मक्खी ये चिंटी आ रही थी, ऐसे नहीं किया उन्होंने। 3 दिन की स्माइल, पार्श्वनाथ भगवान का बोलो 7 days पेशेंस, मोक्ष ले गया उनको। समझ गए होंगे मैं बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रहा हूँ आपको। सीता ने सुसाइड नहीं किया, द्रौपदी ने सुसाइड नहीं किया, पांडवों ने सुसाइड नहीं किया। नाम बोलो, अंजना डिप्रेशन का शिकार होकर के मुंह नहीं छिपाती फिरी कि हमारे पति हमको नहीं चाहते, 22 वर्ष तक नहीं चाहते, मैं कहाँ चली जाऊँ, लोग मुझ पर शंका करेंगे, इससे तो मर जाऊँ तो अच्छा है, ये भी कोई जिंदगी है। समझ गया कुछ कह रहा हूँ मैं आप लोगों से? जिंदगी में कभी आत्महत्या की मत सोचना। जो कायर पुरुष होते हैं नपुंसक होते हैं वे आत्महत्या करते हैं। जरा बोल के बोलो, मैंने क्या बोला? जो कायर होते हैं नपुंसक होते हैं, गुरुदेव थोड़ी उर्दू में बोलते थे, गुरुदेव हिजड़ो छे हिजड़ो। नपुंसक छे, जिंदगी में कभी आत्महत्या की नहीं सोचना। हार को पचाना सीखो, असफलता का सामना करना सीखो। चलूं आगे? एक बात कह ही देता हूं, अभी माकूल है, मतलब ये बात अनुकूल है, इसलिए अभी कह देता हूं। हो सकता है पहले भी कही हो लेकिन आज सबको बच्चों को फिर कह रहा हूं, बेटे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ये मर्दानगी है, और कंफर्ट जोन की एक्सपेक्टेशन, कंफर्ट जोन में जीना ये पप्पू बना है। पप्पू तो समझते हैं ना आपको? बोलो पप्पू बनना है कि मैच्योर होना है? बोला आवाज नहीं आई,
आपको पप्पू बनना है कि मैच्योर होना है? पप्पू का लक्षण क्या है? वो कंफर्ट जोन की सोचता है, अरे यार कौन पढ़े, आईएमपी मिल जाएगा, जुगाड़ लग जाएगी और मैं तो याद कर लूँगा, पेपर आउट कर लूँगा, पेपर में नंबर बढ़वा लूँगा, और सर तो मेरे को बहुत चाहते हैं, उनसे मैं क्वेश्चन ले लूँगा, पीछे वाले से नकल कर लूँ, ये सब कंफर्ट जोन कहलाते हैं, ये कंफर्ट जोन कहलाते हैं। अपन तो एक सीधी नौकरी मिल जाए गवर्नमेंट की, ऐस करेंगे, ये कंफर्ट जोन है। कल कोई बात आई थी, किसी ने कुछ कहा था मुझसे, तो मैंने कहा था बड़े दादा ने, छोटे दादा ने जहाँ पढ़ाई की थी, जहाँ पढ़ाई की थी मुरैना में, मन लाइट तक नहीं थी, नल नहीं था, कुएं से पानी भरते थे कुएं से पानी भर के नहाते थे, रसोई बनाने वाले नहीं होते थे ना कभी, तो रसोई बनाना पड़ती थी, और तब भी इन्होंने छान के पानी नहाया है, छान के पानी से नहाया है, इतने से इतना सा तेल मिलता था मिट्टी का चिमनी में डालने के लिए, वो उसमें पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैंने इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में संघर्ष करके आए, मैंने कल एक बार कहा भी है, आप चाहें तो छोटे दादा का अभिनंदन ग्रंथ व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व उसके 90 पेज जरूर पढ़ो। मैं तो बहुत चाहता हूँ कि मैं आपको कभी जैसे गुरुदेव का जीवन चरित्र सुनाए ना, ऐसे छोटे दादा का सुनाऊँ, बड़े दादा का सुनाऊँ, आपको तब पता लगे कि स्ट्रगल आदमी को महान बनाता है। वे यदि कम्फर्ट जोन की सोच रहे होते तो यहाँ तक नहीं आ पाते। आप कभी कम्फर्ट जोन में मत जाना। फिर से बोलता हूँ, हाँ, पप्पू का लक्षण क्या है? कम्फर्ट जोन। और मैच्योर पर्सन का कम्फर्ट जोन की एक्सपेक्टेशन नहीं करो, स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहो। कल कोई बच्चा पूछ रहा था कुछ, क्या कठिनाई आती है ऐसा कोई, हाँ वो एक इस बच्चे अब याद आ गया, वो कह रहा था, हम मेरे को ऐसे ऐसे विचार आते हैं, मैंने आजकल तो मुनिराज ऐसे हैं, श्रावक ऐसे हैं, पंडित ऐसे हैं, फलाएँ ऐसे हैं, बेबे ऐसे हैं, जे ऐसे। तो मैंने कहा बेटे यही अब बस डिसीजन मेकिंग में ये सब होने वाला है। आपको दुनिया गोल्डन प्लेट की तरह ज्वेलरी से सजी हुई नहीं मिलेगी, गहनों से रत्नों से सजी हुई नहीं मिलेगी, आपको अपनी लाइफ को रत्नत्रय से संवारना है। रत्नत्रय माने बहुत बड़ी चीज़ है, दुनिया की नज़रों में आप हीरो हो गए, मैं उसकी भी चर्चा करूँगा। आइए, तो एडिक्शन का मतलब क्या बोला मैंने, एडिक्शन में जो सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर दे, इसलिए एडिक्शन कभी नहीं करना। एडिक्शन वाले को कुछ नहीं सूझता, और ऐसे लोग आप गौर से देखना, खासतौर से मोबाइल के मामले में कहूँ, डे टू डे लाइफ में बहुत सारे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। चाइना में तो एक पूरा सेंटर खुला है बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए, ये मोबाइल फोबिया से बचाने के लिए, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा सेंटर खोला हुआ है वहाँ पर। लेकिन मैं फ्री में आपको सही कर दूँगा, आप चिंता नहीं करना, बस साथ देना आप। चलो, नींद तो नहीं आ रही हैं, मज़ा आ रहा है थोड़ा सा? अब आ जाओ, यहाँ अभी तक का व्यवहार चला, अब परमार्थ चलना है। क्या बोल रहे हैं, हार जीत पर दृष्टि रखना, इसको एक और अच्छे शब्दों में कह सकते हो, शर्त लगा करके काम करना। आपको पता है जुआ खेलना सबसे पहले कौन सिखाता है आपको? जुआ खेलना कौन सिखाता है आपको सबसे पहले? सबसे पहले आपके मम्मी पापा, चाचा, बुआ, जो आपके बहुत लवली होते हैं ना, लवली नियरेस्ट, वो ही सिखाते हैं, पप्पू पोछा लगाओ टॉफी देंगे उन्होंने टॉफी ला दी और बच्चा जिंदगी भर के लिए कंडीशनल हो गया, कंडीशनल, वो शर्त लगाने लगा तो हमें क्या दोगे? मम्मी ने कहा बेटे आज हम रसगुल्ले बना रहे हैं, तुम थोड़ा काम कराओ, एक आध घंटा थोड़ा मेहनत करो, हमें क्या मिलेगा? दो रसगुल्ले मिले, दो रसगुल्ले वो तो पैसे भी मिलेंगे आपने देखा है, मैंने घर में बच्चे काम करने तैयार नहीं है, ये बहुत गलत बात है। जिंदगी में कंडीशन कभी मत लगाना, ना कंडीशनल काम करना, ना कंडीशनल पढ़ाई करना, ना कंडीशनल शादी करना। कंडीशनल शादी समझ गए, मैं तुझे चांद तारे तोड़ूंगा, झूठी बात है, ना चांद तारे तोड़ना है, इसी सड़क पर रहना मैंने बिल्कुल झूठी बातें नहीं करना। और ये फिल्में आपको जो है ना, ये झूठी बातें सिखाती है,
झूठा अट्रैक्शन खड़ा करती है, बिल्कुल फर्जी फर्जी। रियल लाइफ में चाहे ऐसा कुछ होता ही ना हो, लेकिन हर लड़के के दिमाग में घूमेगी और ये एडिक्शन फिर पढ़ने नहीं देता। बच के रहो, समझ के रहो, फिर से कंडीशन नहीं लगाना, आप भी कंडीशन नहीं लगाना। यदि आप टोडर मजी साहब को पढ़ेंगे, पढ़ते ही हैं, पढ़ ही रहे हैं सब लोग, मोक्ष मा प्रकाशक जी, उन्होंने क्या लिखा है, दीक्षा लेने के बाद भी उसका मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो जुआ खेल रहा है। कोई बताएगा? शब्द ऐसे नहीं लिखे, वहाँ जुआ खेल रहा है, मैंने लगाए ये शब्द। दीक्षा लेने के बाद भी मोक्ष क्यों नहीं होता, जबकि वो संयम से रह रहा है, शांति से रह रहा है। अभी आपने पढ़ा भी था, अभी पढ़ा रहे थे भैया पीयूष जी, क्यों नहीं हुआ? तो मैं बता देता हूँ, जिन्हें स्वर्ग मोक्ष का लोभ है और जिन्हें नरकादिक का भय है, वे मोक्ष के अधिकारी नहीं है। सच्ची उदासीनता उसका नाम नहीं है। अभी पढ़ रहे थे ना, सच्ची उदासीनता उसका नाम नहीं है। काय का लोभ नहीं होना चाहिए? इट इज कंडीशन। स्वर्ग मोक्ष का लोभ और नरकादिक का भय, सुनो, सम्यक दर्शन नहीं होगा। आप तुम्हें सम्यक दर्शन क्यों चाहिए? मोक्ष जाने के लिए नहीं होगा। अरे सम्यक दर्शन क्यों चाहिए? स्वर्ग जाने की तो बात ही नहीं, मोक्ष जाने के नाम पर भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रश्न है कि वो जुआ है। अब मैंने जुआ में घटा दिया इसको, जुआ है वो। अब मैं एक बात आपसे पूछूं, तुम्हारा नाम क्या बेटे? समेद। समेद, चलो ठीक। समेद, तुम अपने को समेद क्यों मानते हो? तुम अपने को लड़का क्यों मानते हो? अपने पापा को पापा क्यों मानते हो? तो तुम्हें एक बात सुन करके बेवकूफ़ मैं दिखूँगा? मैं कैसा बेवकूफ़ है? अपने पापा को नहीं, पापा नहीं मानूँ तो क्या मानूँगा? और अपने को लड़का नहीं मानूंगा तो क्या मानूंगा? नहीं ऐसे लगे ना सबको? इसका क्या मतलब? अनकंडीशनल पापा मानते हो आप। आप इसलिए पापा को पापा नहीं बोलते कि मैं सत्य बोलूंगा तो पंडित जी खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पापा हैं। तुम ऐसे बोलते हो? जब भी कोई पूछे पंडित जी कि ये कौन है, तो अपन सत्य बोलेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, इसलिए बोलना चाहिए ये मेरे पापा हैं। इतना लंबा सोच के बोलते हो? पापा इज पापा ना, इसमें स्वर्ग मोक्ष का लोभ होता है और ना नरकादि का भय, बराबर। तो एक बात पूछता हूँ, आप आत्मा को आत्मा नहीं मान सकते? इसका नाम सम्यक दर्शन है। तुम अपने को आत्मा क्यों मानते हो? अकर्ता क्यों मानते हो? ज्ञाता क्यों मानते हो? परमात्मा क्यों मानते हो? शुद्ध आत्मा क्यों मानते हो? लगा लेंगे सारे शब्द, क्यों मानते हो? क्योंकि बोलो, अरे बोलो ना, क्योंकि मैं हूँ। मैं अकर्ता हूँ इसलिए मानता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ इसलिए मानता हूँ, मैं भगवान आत्मा होना है कि हूँ? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हाँ हूँ इसलिए मानता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? तुम अपने को जैन क्यों मानते हो? हूँ बस, उसमें क्या दिक्कत है? क्यों शक्कर कैसी होती है? मीठी। क्यों बोली है आपने? क्योंकि सत्य बोलने से पुण्य होता है। ऐसा तो नहीं होता। अरे वस्तु मीठी है तो मीठी बोल देते, उसे हम बिल्कुल नहीं सोचते। ऐसे ही चूंकि तीन लोक का सर्वोत्कृष्ट आत्मा हूं, इसलिए मैं अनुभव करता हूं। ओके, करेक्ट, सम्यक दर्शन। एक सेकंड का काम है सम्यक दर्शन, एक सेकंड का। लेकिन आप कंडीशनल सोचते हो, चलो भैया सम्यक दर्शन कर लें क्योंकि दौलत राम जी ने कहा है, कोटि उपाय बनाए भव्यता घोर आनो, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। चलो भैया, ये क्या मतलब निकला है? यदि आप ऐसे सोच के करते तो आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। पढ़ लेना आप 11-9 पूर्व पढ़ लेना, लेकिन कंडीशनल पढ़ोगे तो जुआ खेल रहे हो आप। क्या कह रहे हो? कंडीशनल पढ़ोगे 11-9 पूर्व तो जुआ खेल रहे हो, सम्यक दर्शन तक नहीं होगा मोक्ष जाने की। तो कई लोग ऐसे पूछते हैं, कई लोग बच्चों आप में से ही पूछेंगे, अपने से तो अच्छे हैं, अपन तो कपड़ा पहने, वे तो देखो लाखों मच्छर झूम रहे हैं, देखो एक टाइम भोजन कर रहे हैं, देखो 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 ठंड गर्मी बरसात, अपने से तो अच्छे हैं, कुछ तो कर्म कटेंगे मोक्ष चले जाएंगे। 9-11 पूर्व पढ़ने वाला भी और निर्दोष द्रवलिंग धारण करने वाला भी इतनी सी भी संबर को प्राप्त नहीं होता। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, संबर को प्राप्त नहीं होता। निर्जरा तो बहुत दूर की बात है। क्या कहा मैंने? संबर तो समझते होंगे यहाँ के बच्चे सब। संबर क्या मतलब? पापाश्रम नहीं रुकता। संबर नहीं होता मतलब
पाप आश्रम नहीं रुकता। क्या कमाल कर दिया, यह है कंडीशन। अब तो समझ में आया, जुआ जुआ इसका नाम है। मैं ज्ञायक हूं इसलिए ज्ञायक अनुभव करो। पंडित जी मुझे भगवान आत्मा बहुत अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि समय सार जी में छठी गाथा में, 144वीं गाथा में, 14वीं गाथा में, 75वीं गाथा में आचार्य कौन कौन स्वामी जैसे सर्वोत्कृष्ट कलिकाल सर्वज्ञ ओहो आचार्य देव ने लिखा है, इसलिए मैं अप्रमत्त नहीं हूँ, प्रमत्त नहीं हूँ। नहीं, सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि तुमने कंडीशन लगा दी। तुम्हें छठी गाथा क्यों याद आई? क्यों? शक्कर कैसी होती है? मीठी। कौन से पेज पे पढ़ी है? लाओ रेफरेंस बुक लाओ, लाओ बताओ कहाँ लिखी है। अरे बताओ कौन कहाँ लिखी, लिखा ला के। तो किताब याद नहीं आती, मम्मी का वचन याद नहीं आता जब पहली बार बोला होगा बेटा, इसको शक्कर कहते हैं, ये शक्कर मीठी होती है। आपको वो है, किसी को याद है? फर्स्ट टाइम आपकी मम्मी ने आपको बताया था ये शक्कर है, बोलो किस किस को देश ने लब दिया। अरे बोला, जैसे आपको शक्कर का विकल्प नहीं आता है। मैंने है मेरे अनुभूत है, अनुभूत स्वानुभूत स्वानुभूतिया चकास्ते, प्रमाण करो, प्रमाण करो स्वानुभव से, प्रमाण करो। तो जैसे शक्कर के मामले में ग्रंथ याद नहीं आते, ऐसे जिस दिन तुम्हें मैं शुद्धात्मा हूँ और ग्रंथ की गाथा याद नहीं आएगी, एक सेकंड का कहाँ में सम्यक दर्शन। एक सेकंड तो ज़्यादा होता है, पहली बार सम्यक दर्शन होता है ओनली 5 सेकंड में, बहुत फटाफट होता है काम, इसलिए घबराना नहीं। तो जीवा समझ में आया? जीवा और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट बदलते हैं। शर्त लगा करके काम करना कंडीशन है ना, देखोगे बेटे समय से कहीं चल रहे हो आप में से कोई? अरे हम नहीं जा रहे भैया, अभी नहीं जा रहे। नहीं नहीं फ्री में ले जा रहे। आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, और वहाँ पर आपको गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी घुमाने की पूरी, ऊपर 24 तीर्थंकर की टोंक, 20 तीर्थंकर की टोंक पर उसकी भी व्यवस्था आपके लिए पाल की। तो ठीक है, तो चलो सुनो, तीर्थ यात्रा का इतना सा भी पुण्य नहीं होगा, क्योंकि आप कंडीशनल हो गए। आप वहाँ सम्यक दर्शन लेने नहीं जा रहे, आप ऐतिहासिक भूमि का स्पर्श करने नहीं जा रहे, पवित्र पुराण पुरुषों के चरण स्पर्श करने नहीं जा रहे, आप केवल पैसे की फैसिलिटी या कंडीशन मिल गई इसलिए जा रहे हो। आप समझ गए हो जुआ कितना विस्तार ले सकता है, कितना विस्तार ले सकता है। मैंने हम कितने कंडीशनल हैं। ये पढ़ाई आप कर रहे हैं ना अभी, शास्त्री की पढ़ाई कर रही, बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपसे कह रहा हूँ शास्त्री की पढ़ाई में शर्त मत करना। पढ़ने से क्या फायदा, कैरियर तो बनता नहीं है। क्या कैरियर है, वे भटक रहे हैं। कल एक बच्चे ने पूछा था कि शास्त्री लोग ऐसे वैसे घूमते हुए दिखाई देते तो बड़ा घबराहट लगती है, हमारा क्या होगा? हम तुम्हें समझा दे रहे, चिंता नहीं करो। वैसे आज तक कोई शास्त्री परेशान नहीं है, बस अर्थ वो भाव शास्त्री हो। अब द्रव्य शास्त्री हो तो हम क्या कहें, द्रव्य शास्त्री क्या होता है? जनवरी में पढ़ाई स्टार्ट करी, फरवरी में पढ़ाई स्टार्ट करी, 2 महीने पढ़ के पास, 65% 70%। पंडित जी मैं कहूँ डोर। जब तुम 2 महीने में पढ़ करके 65% ला सकते हो, 70 ला सकते हो, 75 ला सकते हो, यदि साल भर पढ़े होते तो 90 भी ला सकते थे। 4 घंटे पर डे पढ़ाई कर रहे होते तो जुआ नहीं खेलते आप 100% मास्टरी होती है आपके पास संस्कृत की, न्याय की, व्याकरण की, हर सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट पर आप प्रोफेसर से डिस्कस कर रहे होते। प्रोफेसर से कह रहा हूँ, प्रोफेसर से, प्रोफेसर आपका चेहरा देख के पढ़ाता, जब लेक्चर देते हैं ना तो आपकी शक्ल देखता हो, आप यहाँ से बैठ जाते, तो पूछता क्यों मिस्टर क्या बात है, क्या बोल रहे हैं सर आप? यहाँ से घबरा जाता हो, तैयारी करके आता अगले दिन, बेटे ध्यान से सुनो आज आपको मजा आएगा। मैंने इतने लर्नेड पर्सन बनो, इतने विचारक बनो, इतने डिबेटर बनो कि आपको देख करके शिक्षक पढ़कर आए। अभी 99% शिक्षक मालूम कैसे आते, उसमें क्या रखा, हम पढ़ा देंगे, आए खड़े हो गए, खोलो किताब, पढ़ाना शुरू। नहीं तैयारी, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मालूम है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पढ़ने के लिए कलकत्ता आए थे, वो तो अपने पिताजी को पत्र लिखा, आजकल मैं अपने शिक्षकों को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। तो पहले तो पिताजी ने सोचा कि शायद ये गलती से लिख गए होंगे, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ लिखना चाहिए, मात्रा लगा दी होगी, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। फिर वे जब प्रोफेसर बन गए कॉलेज में पढ़ाने लगे तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, आजकल मैं अपने छात्रों से अच्छे से पढ़ रहा हूँ। उन्होंने फिर आश्चर्य पूछिए, क्या लिख रहा है, पढ़ रहा हूँ, पहले मात्रा कहाँ लगानी थी, अब की मात्रा कहाँ लगा दी। आपको पता है ये बात उनके बुक में फेमस हुई है, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो बढ़िया विद्यार्थी बनता है, और एक विद्यार्थी वही अच्छा होता है जो शिक्षक होता है। समझ में आया कुछ आपको? फिर आप में से कोई माइका लाल हार जाए, फेल हो जाए, नौकरी ना मिले, कैरियर नहीं बने तो कहना, हम तो ये चाह रहे बेटे जिंदगी में अनंत काल में अंतिम बार शास्त्री करो, इसके बाद कभी शास्त्री ना करना पड़े, अगले जन्म में स्वयं बोधित ज्ञान लेके जाओ, अगले जन्म में स्वयंभू बन के जाओ, टीचर की जरूरत ना पड़े, इतना ज्ञान लेकर के जा सकते हो, भगवान बन सकते हो। आचार्य कुंद स्वामी स्वयंभू थे, पूर्व से लेकर आए थे, तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, लेकर के आते हैं। मैंने आप इतना बढ़िया कैरियर, लेकिन आप शर्त मत लगाओ शिक्षक बन जाए। जो मेरे से कहता है ना मुझे टीचर बनना है, मुझे बहुत दुख होता है, छोटा स्वप्न बड़ा अपराध। आप इतना हल्का क्यों सोच रहे हो? आप टॉप की सोचो, क्यों ओलंपिक में दौड़ने जाना है किसी को, यदि नंबर लगे तो काय के लिए दौड़ोगे, सिल्वर को, नहीं सिल्वर नहीं ब्रॉन्ज, कहाँ से पदक मिल जाए, ये ही बहुत है, ये तो गलत बात है। हर लड़का गोल्ड के लिए दौड़ता है, ऐसे ही आप ये जो पढ़ते हो ना शास्त्री, आप दी बेस्ट के लिए पढ़ो, छोटा स्वप्न मत देखो, छोटा स्वप्न तो अपने आप हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए में ओडी आ सकती है तो जी इतना सा खिलौना तो अपने आप आ जाएगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, एक भी बच्चा बीएड की मत सोचो, एक भी बच्चा ये बस सोचो हम टीचर बन जाएंगे, टीचर में क्या रखा है, बनो अच्छी बात है, हम बुरा नहीं कहते, लेकिन पहले टॉप लेवल की आपका जो फोकस है ना, फोकस बड़ा होना चाहिए, जब बड़ा फोकस होगा तो छोटे छोटे अपराध नहीं होंगे कंडीशन वाली। समझ गए आप लोग? आगे चलो। हाँ भाई, जुआ खेलने की पहली शर्त क्या थी? हार जीत की शर्त, दो ही बात हो गई, हार जीत की भावना और शर्त। तो शर्त लगा करके काम नहीं करना, मैं तब पढ़ूंगा जब इसमें मुझे फायदा हो, नहीं फायदा है ना, पैसे से फायदा मत गिनो, नौकरी से फायदा मत गिनो, सीधी समझदारी रखो। मैं बहुत कमज़ोर बच्चा था, बहुत कमज़ोर बच्चा था, आपको बता भी नहीं सकता, मैंने 9th तक तो 10th तक तो बहुत कमज़ोर था, यूँ समझ लो 55 से आगे नहीं पढ़े हम, बहुत कम नंबर आते थे, बहुत डब्बू थे, यूँ समझ लो कक्षा छः में तो ऑल सब्जेक्ट फेल। अब समझ लीजिए कैसा हूँ, भाषण देने के लिए गया मंच पर तो 3-5 मिनट का भाषण 3 मिनट में ही ख़त्म करके आ गया, ये इतना कमज़ोर था। लेकिन यदि मुझे किसी ने आगे बढ़ाया ना, वो इसी चीज़ ने बढ़ाया कि मैंने केवल एक ही चीज़ फोकस की कि मुझे पढ़ना है, मतलब 100% कमांड ऑन द सब्जेक्ट, मुझे कमांड होना चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए सब्जेक्ट पर, और इस चीज़ ने मुझे प्रोफेसर बना दिया। और जब वहाँ प्रोफेसर बने तो यहाँ पढ़ने की स्टाइल आ गई, अभी मेरे पास एक एक चीज़ के नोट्स, आप कोई भी बात कहो मैं नोट्स दिखाऊंगा आपको फटाफट, एट ए ग्लांस नोट्स, ये देखिए इस बार बहुत अच्छा सब्जेक्ट लेने वाला हूँ मैं आपके लिए, एकदम आज तक नहीं लिया किसी ने, मैंने भी नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया, यहाँ पर किसी ने भी नहीं लिया, पहली बार इतना अच्छा सब्जेक्ट लेके आया आपके लिए, मज़ा आएगा आपको, कहने का आशा समझ में आया? आप 100% कमांड के लिए पढ़ो, आप ना मोबाइल के चक्कर में पढ़ोगे, ना पिक्चरों के चक्कर में पढ़ो, ना दोस्तों के चक्कर में पढ़ोगे, दुनिया के चक्कर छूट जाएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। याद है मेरा डायलॉग पुराना, 5 साल सजा भी लगे सजा तो टोटल लाइफ मज़ा करोगे, और 5 साल मज़े कर लो आप, ये पढ़ाई की शास्त्री के 5 साल आप मजे कर लो, टोटल लाइफ सजा मिलेगी। चलो, जुआ खेलने के नुकसान क्या होगा? जुआ खेलने का नुकसान बता दूं, खतरनाक, वैसे तो बहुत नुकसान है, यदि नुकसान ही बताने बैठ जाऊँ तो 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन लोकल का मजा नुकसान बताता हूँ, लोकल का नुकसान, आजकल जुआ खेलने की बुद्धि माने हार जीत की बुद्धि, मतलब कंडीशनल बुद्धि होने के कारण
इतना पाप का उदय आता है कि पत्नी भी कंडीशनल मिलती है, समझ गए आप? तो कुछ डाइवोर्स, मिस्टर आप कमा के नहीं ला रहे, डाइवोर्स, डाइवोर्स समझ गए? जरा कुछ बात हो गई, तुम्हारी मम्मी पापा साथ रहेंगे तो डाइवोर्स, मैं नहीं कर सकती तुम्हारी मम्मी पापा की सेवा। ये देखो गजब, हरियाणा में एक शादी हुई, हरियाणा में एक शादी हुई, वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो सबसे जल्दी होने वाला तलाक है। बता सकते हो कितने दिन में तलाक हुआ होगा? मैं बताऊं, 5 मिनट के अंदर तलाक। शादी हुई, राउंड लगे, कंप्लीट हुआ, इतने में ही उसको पता लगा कि मेरे हस्बैंड के 7 भाई हैं, और उसकी कंडीशन ये थी कि मैं उससे शादी करूंगी जिसके अकेला हो घर में, ताकि संपत्ति के बंटवारे के झगड़े ना हो, मुकदमे ना चलें, हाय हाय नहीं हो, लड़ाई झगड़े नहीं हो। तो उसको शादी करना थी, तो उसने बता दिया कि मेरे कोई भाई नहीं, मैं अकेला हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे शादी हुई, 5 मिनट नहीं बीते थे, वो उसको मलम पड़, किसी ने बता दिया, ब्लैकमेल कर दिया, वो किसी ने बता दिया होगा, बदनाम बता दिया उसको, इसका तो 7 भाई है। तो उसने भाई भाई पूछा, मिस्टर ये बात करेक्ट है कि झूठ है, जल्दी बोलो। उसने कहा करेक्ट, डाइवोर्स। अब सारे जाट लोग बैठे, खाप पंचायत बैठी उनकी, बहुत कोशिश करी, बेटा भारतीय परंपराएं हैं, शादी हो गई है, अब तो निभा लो। नहीं, जो अभी फ्रॉड कर रहा है वो जिंदगी भर फ्रॉड करेगा, जो अभी धोखा दे रहा है, अभी झूठ बोल रहा है, वो जिंदगी भर झूठ बोलेगा, आई डोंट लाइक। 5 मिनट के अंदर जे जुआ खेलने का पहले तुम कंडीशनल होगे तो तुम्हारे साथ भी कंडीशनिंग होगी। एक पति बीमार हो जाए 10-25 साल के लिए, आजकल की बहू ये कही डाइवोर्स, जे नहीं कहेगी नहीं नहीं मैं भारतीय नारी हूँ, हे स्वामी हे आर्य पुरुष मैं तुम्हारी सेवा करूँगी। नहीं नहीं मिलेगा, ये जुआ खेलने का पल। यानी आप जुआ सोचोगे ना हर कंडीशन, आपको इनकी मदद क्यों करना चाहिए? अनकंडीशनल मदद करिए ज्ञान दान के मामले में, अनकंडीशनल बीमारी में हेल्प करिए, अनकंडीशनल। ध्यान रखना मैं अनकंडीशनल बहुत भजन दे रहा हूँ, जिंदगी का हर काम अनकंडीशनल होना चाहिए। इसको बहुत अच्छी भाषा में बोलूँ पॉजिटिवली, अनकंडीशनल तो नास्ती से बोल रहा हूँ, मैं अस्ति से बोलूँ, एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच एंड एवरी मोमेंट यू हैव टू एन्जॉय एन्जॉय एन्जॉय। आप आनंद करो, प्रवचन करो तो आनंद करो, आप प्रवचन करने मत जाओ एंजॉय करने जाओ, पूजा करने मत जाओ, हाँ बोलो एंजॉय करने जाओ, कक्षा अटेंड करने मत जाओ, चलो यार अभी कक्षा और अटेंड कर ले, कहा तुम बुड्ढे हो गए। हिम्मत हार जाने वाला बुड्ढा कहलाता है। मुझे तो दादाजी को देख के लगता है इतनी उम्र में भी जवान है, अभी भी व्हील चेयर वगैरह नहीं लेंगे, अभी भगवान मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे, अंदर दर्शन कर रहे थे, बढ़िया उल्लास है, जवानी इसका नाम है, हिम्मत नहीं हारना जिंदगी में कभी। चलूं आगे, चलूं थोड़ा और सूक्ष्म ले लूं, अच्छे से बैठ जाओ और मुझे देखो, तो मैं सुनाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं सुनाऊंगा, लिखोगे तो नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि वो मेरा अब बहुत मर्म की बात है, अब बहुत बहुत टॉप क्वालिटी की बात लेने वाला हूँ। लिखना, बाद में लिख लेना, मैं इशारा करूंगा, पहले बस समझ लो 5 मिनट के लिए। जैन दर्शन में जुआ कितना गहराई तक लिया है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के रूप में भी और अंतर भी। ध्रुव भगवान आत्मा, ये तो सब समझते हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं ध्रुव ध्रुव उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, जो ध्रुव की महिमा, ध्रुव की महिमा उत्पाद व्यय के बल पर करते वो जुआ खेलते। फिर से बोलूं जो ध्रुव की महिमा या ध्रुव में दीनता, ध्रुव की महिमा या ध्रुव की हीनता उत्पाद व्यय के बल पर करते हैं वे जुआ खेलते। समझाऊंगा आप, मुझे पता है बाद में लिखोगे, याद कर लो अभी, याद बोलो जरा। वो जुआ खेलते हैं, अब मैं दोनों उत्पाद व्यय बताता हूँ, पहले एक दृष्टांत देखूँ तो जल्दी सरल हो जाएगा मेरा काम, दृष्टांत से जल्दी सरल होता है। एक आदमी 1,00,000 रुपया पर मंथ कमाता है, उसकी शादी हो गई तो पत्नी ने उसको पति माना, ये तो कोई कठिन नहीं काम, पति माना। फिर वो पति 50,000 कमाने लगा 1,00,000 की जगह अगले महीने,
तो पत्नी उसे कितना परसेंट पति मानेगी? अरे बोलो बोलो ना, गणित नहीं आता गणित, बोलो। एक लाख रुपया कमाता था तब शादी हुई थी, पति इजिकल टू 100% इजिकल टू 1,00,000, और अब कितना कमा रहा है? चूंकि 50,000 कमा रहा है, इजिकल टू 1,00,000/50,000 इजिकल टू कितना परसेंट निकलेगा पति? अब उस दिन की सोचो, अब एक महीना वो हैंडीकैप्ड हो गया, मैंने बीमार हो गया, डिसेबल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, पड़ा बेचारा बिस्तर पे, तो एक महीना में 0 कमाया, पति कितना बचा बोलो? 0। सुनो, अनुभूतियों में गणित नहीं लगता, कुछ कहा मैंने, अनुभूतियों में गणित नहीं लगता। दृष्टांत पूरा हो गया? वो दृष्टांत पूरा हो गया। ऐसे ही ध्रुव तो ध्रुव है, समय साज की गाथा में गाओ आप, ज्ञात बो तो बो ही है, ज्ञात में तो मैं ही हूँ, अप्रमात नहीं प्रमात नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ। आया समझ में? अब खुलासा करता हूँ। ध्रुव की महिमा उत्पाद व्यय से करना जुआ है, केवल ज्ञान के बल पर महिमा ध्रुव स्वभाव की जाती है, केवल ज्ञान के बल पर, केवल ज्ञान, ओ केवल ज्ञान कितना बढ़िया जीव, कितना बढ़िया जीव, केवल ज्ञान कितना बढ़िया जीव। तो तुम्हें सम्यक दर्शन से लगाकर केवल ज्ञान तक के द्वारा ध्रुव की महिमा बताई जाती है, ये मजबूरी है। केवल ज्ञान से आत्मा की महिमा करना, ये मिलेच्छों को समझाने के लिए मिलेच्छ भाषा है। मिलेच्छ भाषा समझते हो आप लोग? मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा है। तो फिर क्या करना चाहिए कि ब्राह्मणत्व नहीं छोड़ना चाहिए, मिलेच्छ नहीं हो जाना चाहिए। क्या मतलब? केवल ज्ञान के द्वारा आत्मा की महिमा बताते हैं, लेकिन आत्मा महिमाशाली है इसलिए केवल ज्ञान हुआ है, केवल ज्ञान के कारण महिमा नहीं है। महिमाशाली आत्मा हो इसलिए केवल ज्ञान हुआ है। नहीं समझ में आया ना? अभी नहीं आया? कितने बच्चों को नहीं समझ में आया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो बेटे, तो मैं और विस्तार से समझा। वेरी गुड, ईमानदारी से आपने हाथ खड़े करे, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। हाथ तो तुम भी खड़े नहीं करे, समझ में तो तुम्हें भी नहीं आया, नहीं आए ना, तो हाथ तो खड़ा करो। हाँ, डरने की बात है, जो ईमानदार होते हैं उनसे मैं खुश होता हूँ। वेरी गुड, अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। ध्रुव तो समझते हो, ध्रुव उत्पाद व्यय ध्रुव, ध्रुव इस ध्रुव की महिमा उत्पाद व्यय से नहीं है। मान चलो यह मिथ्यात्व है, तो आत्मा खराब नहीं है, बल्कि तुम आत्मा को आत्मा नहीं मानते इसलिए मिथ्यात्व है। बराबर? कोई कठिन जी बात? कोई कठिन ही बात? ए हीरो जग गया ही। हाँ अच्छे से बैठ, आ गया जल्दी, आ उठ। हाँ तेरे से ही बोल रहा हूँ, जल्दी आ गया, दौड़ के जल्दी। हाँ बिनी कापी किया जा, जल्दी आ जा दौड़ के जल्दी। मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, मेरा एक ही पॉइंट पूरा नहीं हुआ अभी, वो 6 रह जाएंगे, फिर 3 पीरियड है। ध्यान से सुनो, क्या बोल रहा था मैं? यहाँ ध्रुव है आत्मा, तो आत्मा की महिमा नहीं थी इसलिए तो मिथ्यात्व हुआ था। तो यहाँ सम्यक दर्शन हो गया, तो इसकी वजह से इसकी महिमा है, या ये महिमाशाली था इसकी महिमा समझी इसलिए सम्यक हुआ? महिमाशाली था इसलिए सम्यक हुआ, या सम्यक हुआ तो महिमा आई? बोला। एक लड़का था, बहुत करोड़ों रुपए कमाता था, बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छा था, इसलिए उसकी शादी बहुत सुंदर लड़की से हुई, बहुत सुंदर लड़की से। तो सब लोग बोले ये बड़ा गुड लकी है, इसमें गुड लक की क्या बात है? लड़का पहले से ही शादी होने से अच्छा हुआ, या अच्छा था इसलिए अच्छी शादी हुई? समझो, बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट, तो उसे 1 करोड़ का दहेज मिला, 1 करोड़ का दहेज। तो गाँव के लोग तो गधे ही होते हैं,
भैया एक करोड़ मिला, एक करोड़। लड़के का गुड लक, गुड लक नहीं, पुरुषार्थ है उसका, कैरेक्टर है उसके पास, कमाने की क्षमता है उसके पास, उसके पास डिसीजन मेकिंग है। इसको कोई नहीं देखता, गुड लक गुड लक। ऐसा लग रहा है जैसे भिखारी को एक करोड़ मिल गए हों। भाई साहब वो लड़का अच्छा था इसलिए एक करोड़ मिला है, एक करोड़ मिलने से गुड लक ही नहीं है वो। ऐसे ही आत्मा अच्छा था इसलिए केवल ज्ञान हुआ है। केवल ज्ञान के बल पर आत्मा की महिमा नहीं करना है ये कह रहे हैं हम। और नहीं तो जुआ है, हम सम्यक दर्शन तब करेंगे। क्यों करोगे? अभी तो आत्मा हूं, अपवित्र हूं, रागी द्वेषी हूं। धन्य होगा वो दिन जब मैं सम्यक दर्शन होगा, सम्यक दर्शन से पवित्र किस दिन होगा ढोर। तू सम्यक दर्शन से पवित्र होगा या तू सम्यक दर्शन को पवित्र करेगा? किसका नाम है बोलो? बहुत एग्जांपल दे दी, तीन चार। अच्छे लड़के को अच्छी नौकरी मिलने की आशा होती है या अच्छी नौकरी मिल जाती तो अच्छा होता है वो? आहा कितना सुंदर है भगवान आत्मा। अप्रमत्त और प्रमत्त, प्रमत्त माने मोह राग देश, पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक। मिथ्यात्म होने पर भी इसकी महिमा नहीं घटती। बहुत प्यारा दृष्टांत दे दूं आपको, एक करोड़ का हीरा गटर में गिर गया लेकिन हीरे की महिमा कम नहीं होती। निकालोगे कि नहीं निकालोगे बोलो? बहुत गंदी वाली में गिरा है, बदबूदार में गिरा है, काली काली में गिरा है और पीआईजी साहब की पोटी में गिरा है। अब बोल ये साहब कुछ मत बोलो आप, हमें कुछ नहीं दिख रहा, एक आग्र चिंता। क्यों क्या करोगे बोलो? तुम्हारा एक करोड़ का हीरा गटर में गिर जाए और पोटी दिख रही हो, वो भी पीआईजी की, क्या करोगे? छोड़ के चले जाओगे? बोलो ये पंडित जी आपका भेद विज्ञान की पावर, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, मुझे केवल आंख दिख रही है गुरु जी, मुझे केवल एक करोड़ का हीरा दिखाई दे रहा। कैसा? जिसने गंदगी को स्पर्श किया है, स्पर्श तक नहीं किया है। स्वामी जी को क्या दिखता था? गायक वो है जिसको राग ने छुआ तक नहीं है। सुना कि नहीं सुना? गुजराती में अड़तोज न थी दे आत्मा ने, अड़तोज न थी, अड़तोज से समझते कि नहीं? छुआ ही नहीं। 14 नंबर की गाथा समय सार जी की, अब 10 पृष्ठ, छुआ ही नहीं जी है सम्यक दर्शन। अब इसमें क्या गड़बड़ है? मिथ्या तो हो, शरीर गंदा हो, 8 कर्म हो, लेकिन मैं तो, अब तुम क्या सोचते हो? सम्यक दर्शन तो हो, सम्यक दर्शन तो हो। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे तो हमेशा उनका चेहरा थोड़ा वैसा था, चेहरा वैसा था मतलब सैड सैड फेस, क्या बोलते आप, सैड लुकिंग, एकदम ऐसा चेहरा ऐसा। तो सब उनको चिढ़ाते थे, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही? तुम हंसा करो, प्रसन्न रहा करो तो शादी हो जाए। तो बोले हंसूं तो तब जब शादी हो। मैंने वो इसलिए नहीं हंस रहे थे, 45 साल के हो गए थे, 45 साल के प्रोफेसर, खूब बढ़िया तनख्वाह थी उनकी जोरदार, लेकिन उनका चेहरा ऐसा लटका रहता था। अब लड़की देखने गए ऐसे लटके रहते थे तो लड़की ना पसंद करती थी। तो उनको जो दोस्त थे ना कॉलेज के, हमारे प्रोफेसर लोग, उनको समझाते थे, देखो लड़की देखने जा रहे थोड़े अच्छे अच्छे रहा कर। तो बोले इतनी लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी, अब हंसी आना ही बंद हो गई। अब लड़कियों से पूछा कि तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती, तो कह रहे मुस्कराए तो ऐसे ही यहाँ कह रहे जो त्रिकाली गायक को देख कर मुस्कराए तो सम्यक दर्शन माला पहनाए, त्रिकाली गायक में मस्त रहे तो मोक्ष सुंदरी आकर आपको बरमाला पहना दे, केवल ज्ञान आके माला पहना दे। लेकिन तुम तो जब सम्यक दर्शन करने बैठते हो ना, या सामायिक करने बैठते हो, या पूजा करने बैठते हो, ये सब बरमाला है, ये समझो बरमाला। अब आप ऐसे बैठो, ऐसे पढ़ते हो, पूजा करते हो, रोबोटिक, रोबोटिक समझते हो? नहीं नहीं समझते रोबोटिक। और फिर सामायिक करने बैठो, ऐसा लगता है जैसे खूब पिटे हो, कोई गली में पिटके आए हो क्या? अरे त्रिकाली ध्रुव हो, मस्त हो, अच्छे से बैठा उठ गया, सम्यक दर्शन समझ गए? सम्यक दर्शन इतना आसान कहा? हाँ हाँ अब बोलो वापस। ध्रुव को उत्पाद वैसे दीन मानना, ये भी जुआ है, हार हार।
और सम्यक दर्शन, ओ मजा आ गया, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, जुआ खेल गए आप। ओ धन्य है केवली भगवान, सर्वज्ञ भगवान, जो केवल ज्ञान से ही प्रसन्न नहीं हुए, केवल ज्ञान देख के भी प्रसन्न नहीं हुए, क्यों समोसरण भगवान कैसे होंगे, ध्यान लगा रहे होंगे मुनिराज, है ना, मुनि अवस्था में महावीर भगवान, और इतने में केवल ज्ञान हुआ ऐसे करते होंगे, वाह केवल ज्ञान, वाह मेरा समोसरण, व्हाट टॉप है, लोग कितने खुश हो रहे होंगे मेरे समोसरण में, एक भी अंश में मजा नहीं आता, इधर का मजा आता है। अब तो समझ में आया कि नहीं आया, अब 5 मिनट हैं अभी भी, मैं इसका प्रैक्टिकल अब बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकल समझ तो गए होंगे, यार जुआ की बात चल रही सारी। दिगंबर मुनिराज जुआ नहीं खेलते, क्या मतलब, कौन अर्थ करेगा, करोगे तो मजा आ जाएगा मुझे। दिगंबर मुनिराज जुआ नहीं खेलते, समझदार हो गए तो घटा दोगे आप अभी हाँ, बोलो बेटे ट्राई करो, दिगंबर मुनिराज जुआ नहीं खेलते, शाबाश बेटे ट्राई करिए, नहीं होते, बहुत बढ़िया, थोड़ा वहाँ बेटे बोलो, आप भी बोलिए, ट्राई करिए, बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, हाँ ट्राई करिए बेटे, शाबाश, सोचिए, सब लोग सोचे बेटे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ गया, बहुत सुंदर, हाँ बेटे ट्राई करो, हाँ खड़े रहो, दो ही खड़े हो जाओ जल्दी, कोई बात नहीं, वेरी गुड, सिट डाउन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सभी समझ रहे हैं। अब मैं भी बोलता हूँ, आपने सबने बोला एकदम सही बोला, मुझे इस बात की खुशी है कि जितना एक जो प्रवचन हुआ आज का वो आप पकड़ रहे हो, इससे ये पता लग गया, आप लगा सकते हो सभी लोग। अभी मैं कहता हूँ, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सर्प डाला यशोधर मुनिराज के गले में, सर्प डाला, फिर बचाया, अभय कुमार ने सर्प निकाला, श्रेणिक सामने बैठे हैं, श्रेणिक ने सर्प डाला, अभय कुमार ने निकाला, चेल ना हाथ जोड़ करके खड़ी हुई है, 3 मेंबर सामने खड़े हैं, दिगंबर मुनिराज ने यदि ये जी बहुत खराब आदमी, बहुत गंदे भाव है इसके, गंदे परिणाम, दिगंबर मुनिराज को अवसर करता है, यदि ऐसा सोचते तो उस त्रिकाली भगवान आत्मा को, श्रेणिक के त्रिकाली भगवान आत्मा को पर्याय से उत्पाद वैसे हीन मान लिया, और चेल ना बहुत बढ़िया है, धर्मात्मा है, और जो अभय कुमार तो सही में अभय है, कितना बढ़िया, देखो कैसे निकाल दी उसने, सारी चिंटियाँ दूर कर दी और शक्कर डाल के चिंटियाँ भी अलग कर दी, देखो जय विवेकी मोक्ष जाएगा, और जिस यह बड़ी ये बहुत बढ़िया है, यदि वो किसी को क्रियाओं के बल पर, परिणाम के बल पर, पर्याय के बल पर, शॉर्ट कोट बोलो तो उत्पाद व्यय के बल पर, यदि वो श्रेणिक को देख रहे होते या चेलना को देख रहे होते तो वे जुआ खेल जाते, लेकिन धन्य दिगंबर मुनिराज जुआ नहीं खेलते, अब समझ गए। अब आपको एक आध एग्जाम्पल और देना है, एक तो मैंने बता दिया आपको, एक दो एग्जाम्पल और देना है, बनाओ फटाफट, अंजन चोर सप्त वैष्णी सामने आया, अंजन चोर जा प्रैक्टिस कर, पहले पानी छान के पी, प्रैक्टिस कर घर जाके, चोर कहीं का बताओ, हमारे साथ दीक्षा लेगा और कल आहार लेने जाएगा, और सब पहचानते चोटता है, परिस्थिति सेवन है, बेस्या सेवन करता है, शराब पीता, बाप रे एडिक्शन है, हट। यदि दिगंबर मुनिराज अंजन चोर को ऐसे देखते, उत्पाद में से देखते, पर्याय से देखते, क्रियाओं से देखते, तो दिगंबर मुनिराज जुआ खेल जाते, लेकिन दिगंबर मुनिराज जुआ नहीं खेलते। अब बनाओ एक आध जल्दी से, कौन बनाएगा, बहुत सारी पुराणों की घटना है, फटाफट, हाँ बोलो बेटे, 12 बरस तक, हाँ याद करा दिया मैंने, 12 बरस, कौन का है 12 बरस, हैं बालीसेन और पुष्प ढाल, बैठ जाइए, 12 बरस तक आपको कैसा लगे, एक भावलिंगी संत और उनका साथी है ना, साथी, वो रोज कह रहे हैं मेरे को बीवी की याद आ रही है मेरी कहानी स्त्री बड़ी प्यारी होगी, याद कर रही होगी, वो मेरे बिना कैसे रह रही होगी, विरह के गीत गा रही होगी 12 बरस, और इसके बावजूद ये धैर्य नहीं खोया कि यार कैसा मुनि है जी, कैसा कर रहा है जी, एक बार भी ये नहीं कहा चले जाओ पहनो कपड़ा हटो, नहीं,
हम तुम्हें हारने नहीं देंगे, जुआ नहीं खेलने देंगे, हम तुम्हें देख के जुआ नहीं खेल रहे, तुम भी जुआ मत खेलो, तुम्हें जुआ नहीं खेलने देंगे, कितनी भी पर्यायों में विकार हो जाए लेकिन तू निर्विकारी भगवान है, ये देख। आखिरकार 12 बरस लगे, पेशेंस पेशेंस, कोई समझ गया बेटे, जिंदगी में परिणाम गिरना मात्र मेरा कवाड़ा नहीं है, कवाड़ा क्या बोलते हैं, लॉस नहीं है, असफलता नहीं है, हार नहीं है, परिणाम गिरने से आप अपने को मलिन अनुभव करते हो, पामर अनुभव करते हो, दीन अनुभव करते हो, और अच्छे परिणामों से खुश हो जाते हो, इसका नाम जुआ है। आगे समझ में आया किसी को नहीं आया, नहीं आया समझ में, गिरेंगे बेटे, ये लड़ाई रोज होगी परिणाम गिरने की और चढ़ने की, लेकिन मैं गिरने चढ़ने वाला, चलो एक हाथ करणानी योग से दृष्टांत देगा कोई बढ़िया, करणानी योग से बहुत प्यारा दृष्टांत है करणानी योग का, जुआ नहीं खेलने में, बोलो बेटे कौन बोलेगा, करणानी योग का जिन्हें पकड़ हो, मैं बोलता हूँ, 11वें गुणस्थान से गिर करके क्रम क्रम से पहले गुणस्थान तक आ गए, कोई दीनता नहीं आई, फिर चढ़ गए, 11वें गुणस्थान से गिरे, क्यों, कहाँ 11वां गुणस्थान, कहाँ चौथा, कहाँ मिथ्या दृष्टि, घबराहट नहीं होती होगी, अरे तरकाली तो तरकाली है, परिणाम गिरता है, गुणस्थान गिरता है, मैं नहीं गिरता, और फिर वापस चढ़ के 12वां गुणस्थान और केवल ज्ञान। आए समझ में आया, ये जुआ खेलने का अर्थ कर दिया अपन ने। आप लोग जुआ खेलते हो कि नहीं खेलते हो, अब जल्दी से अंतिम प्रश्न, टाइम हो चुका हमारा, बोलो जल्दी से, जुआ खेलते हो या नहीं, हाँ खेलते हैं, ऐसे बोलो जोर से, खेलते हो कि नहीं खेलते हो, खेलते हो, खेलना है कि नहीं खेलना है, हाँ खेलना रुक जाएगा, मजे मजे हो जाएंगे आप, आपने देखा एक बार कभी तुम गलत काम करते हो, गुस्सा करते हो, कुछ करते हो तो लोग कहते हो बहुत गंदा है, हैं एक दिन गुस्सा क्या कर लिया तुम, वही वही पकड़ लेते हो, रोज मैं अच्छा रहता हूँ उसे नहीं देखते, चाहते हो ऐसा कि तुम्हारे विकारों को कोई ना देखे, यही तो सिखा रहा है जैन धर्म कि हम भी तुम्हें विकारों से नहीं देख रहे और तुम भी अपने को विकारों से मत देखो, जुआ खेलना बंद, क्या हो गया जुआ खेलना, हाँ भैया कौन बताएगा उत्तर, जुआ खेलना कैसे छोड़ें, जुआ खेलना कैसे छोड़ें, जल्दी बोलो, हाँ बोलो बेटे शाबाश, हाँ परिणामों से नाप तोल नहीं करेंगे अपनी भी और दूसरे की भी, बैठ जाइए, विकारों से अपने को भी बुरा नहीं देखेंगे और तुमको भी बुरा नहीं देखेंगे, आहा ध्रुव, तो जुआ में एक गड़बड़ होती है, वो और बता के बात पूरी करता हूँ, टाइम हो गया, जुआ में खेलते ना जुआ तो दाव में हार जाते हैं, है ना, कुछ लगाते हैं तो हार जाते हैं, ऐसे ही उत्पाद व्यय में चित्त लगाने वाला ध्रुव को हार जाता है, क्या बोला, दाव खेल रहे हैं अपन, दाव मत चुको यही, क्या बोल रहे, दाव मत चुको यही, क्या मतलब, आप सम्यक दर्शन हार रहे हो, मनुष्य जन्म हार रहे हो, केवल ज्ञान हार रहे हो, जुआ नहीं खेलना, आज के बाद हम किसी को भी पर्याय से पामर नहीं देखेंगे और अपने को भी पर्याय से पामर भी नहीं देखेंगे और महान भी नहीं देखेंगे, भगवान जिनेन्द्र देव के सन्मुख दर्शन करने जाओ, जुआ खेलना है क्या, कौन बोलेगा बताओ, बस अंतिम, अब नहीं इससे ज़्यादा बोलूँगा, कौन बोलेगा, भगवान जिनेन्द्र देव से आपके दर्शन करने गए और आपको जुआ नहीं खेलना है का मतलब बोलो, यदि मैं पेपर सेट करता तो ये प्रश्न बनाता मैंने इस तरह की, कौन बोलेगा बेटे बोलो, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, आगे और बोलो थोड़ा, आपको केवल ज्ञान से बड़ा देखना जुआ खेलना है और अपने को अल्प ज्ञान से हीन देखना जुआ है, भगवान के सामने भी यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया, भगवान को देखकर ये आनंद होगा तो जुआ खेलना बंद, बराबर, ओम नमः शिवाय।